हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आ गए आप। तो हम एक काम करने वाले हैं, आज हम जा रहे हैं नोएडा। नोएडा में क्या है ना, डीजे एक्सपो है, और डीजे एक्सपो में जाने का मज़ा ऐसा है ना कि जो शादी इवेंट वगैरह या कोई भी फंक्शन हो तो वहाँ पर सबसे मेन क्या काम होता है, डेकोरेशन। इवेंट का जितना भी कैटर्स हो गए, और डेकोरेशन हो गई, कैटर्स हो गए, डीजे लाइटिंग हो गई, और स्टेज इफेक्ट हो गए, ये सारी चीज़ें ए टू जेड, और क्रॉकरी हो गई, और जो अपने टेबल्स वगैरह होती हैं वो सब हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी आपको डीजे एक्सपो में। और डीजे एक्सपो में इस एक काम के लिए डिफरेंट मतलब मान के चलिए 15-15 वेंडर होंगे सिर्फ इसी काम के लिए। और आपको क्वालिटी का तो आपको पता ही चल जाएगा कि क्वालिटी किसकी बेस्ट है, और जिसकी बेस्ट हो ना उससे ही सामान लेना भाई। तो वहाँ पर जो भी ये काम करता है तो वहाँ पर उसको जाना चाहिए, तो हम भी जा रहे हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद मैं स्टेज इफेक्ट की वीडियो के डेमो दिखाऊंगा आपको, वहीं पे मशीनों के डेमो दिखाऊंगा, और डेमो में आपको क्या पता चलेगा ना कि कौन सी मशीन क्या काम करती है, आपको इवेंट में लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, कंपैटिबल है कि नहीं है आपके लिए, और प्राइसिंग की भी बात करेंगे, और जो वीडियो बनेगी उस मशीन को लगाने के बाद स्टेज इफेक्ट की, वो तो आप देखना है, मज़ा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नोएडा डीजे एक्सपो, और मैं आपको एंट्री दिखाऊंगा, और वहां से देखते हुए फिर आपको डेली 3-4 वीडियो में मतलब आपको दिखा के ख़त्म कर दूंगा, और मज़ा ना आ जाए तो कह देना, है ना। चलो अब आ गए हैं हम एसटी के काउंटर पे, और एसटी के काउंटर पे अब आप देखेंगे एक ट्रायल लेंगे मोका इस एसटी की मशीन का, एसटी स्पार्कलर मशीन का ट्रायल। भैया बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ये पाउडर की फोम से इवेंट का मजा बांध देती है। इवेंट में ये स्पार्कलर ऐसे चलेगी, और ये पाउडर की मदद से चलती है, इसमें एक पैकेट पाउडर का डाल दें, जबरदस्त। और इधर से फोम निकल रहा है, एयर फोम बबल, स्मोक बबल निकल रहे हैं, जिनकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो अगर लगाया जाए तो अपने इवेंट। और जो यहाँ का काउंटर है, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि है क्या क्या। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो स्पिंग से। आपने देखा होगा शादियों में क्या रहता है ना, वीडियो बनाने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, और 360 डिग्री इसके अंदर अपना रिंग लाइट में अपना फ़ोन लगा देते हैं, और उसके बाद अपना एक मूवमेंट चलता रहता है। तो ये डिफरेंट टाइप की हैं, ठीक है। यहाँ से हम निकलते हैं अब इस साइड, अब स्टार्टिंग करते हैं छोटे से। ये है एयर ब्लास्टर के साथ पेपर भी हो गया, ठीक है जी। और मैं ये हो गया, ये नाइग्रा फॉल हो गया, आपने देखा होगा टेंट के ऊपर हम अपने रेलिंग पे बांधते हैं, उसके बाद ये, और ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट 288 शॉट, आपने देखा होगा ऐसे खड़े हो के 288 शॉट निकलता रहता है, और उसके बाद बहुत बढ़िया वीडियो बनती है, मात्र 2300 रुपये का, ठीक है। 24 पीस का कार्टन, 1800 रुपये पीस। ये नाइग्रा फॉल हो गई, ये डिफरेंट टाइप के हमारे हैं, कोल्ड पायरो नॉइस स्मोक के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारे नो पायरो हो गए, ये स्पार्कलर मशीन हो गई, ठीक है, ये हो गए। अभी मैं आप देखो, अब हम एसटी के काउंटर पे दूसरा देखेंगे, इसका नाम है CO2 कॉन्फिटी इलेक्ट्रिक स्टॉर्म इम्पोर्टेड। आप भैया इसका ट्रायल दिखाएंगे, हाँ स्टार्ट करो भैया इसका ट्रायल, और मैं इसको ट्रायल को पूरा कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ। ये स्मोक बबल चल ही रहा है, ये देखो हाइट देखो। ये डिफरेंट टाइप की पेपर कॉन्फिटी मशीन है। तो अब इसमें सबसे ज़बरदस्त है बिग डैडी चलाने जरा एक बार जरा। अब आपको शॉट दिखाते हैं बिग डैडी का, हम देखेंगे पेपर कॉन्फिटी। ओ भाई साहब, हाइट क्या हाइट है इसकी, जबरदस्त। अभी भी देखो शावर, देखो पेपर शावर, लोगों भी दिखाएंगे, आपको भी दिखाएंगे, रुको तो सही, पेपर शावर देखो अभी तक कहां तक चला गया। अरे
अरे श्री तुलसी जी, अब हम दिखाएंगे आपको एसटी की स्पार्कलर मशीन। और मेरे पास है अंकुर भैया। अंकुर भैया ये एसटी के ओनर है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए। हाँ जी सर, नमस्कार सारे दर्शकों को नमस्कार। मेरा आप लोगों का प्यार मिलता रहे, वैसे यहाँ मिल ही रहा है, और जो देख रहे हैं उनका भी मिलता रहे तो मजा आएगा। तो अब क्या ट्रायल करवाने वाले भैया? अब आपको स्पार्कुलर मशीन दिखाते हैं। अच्छा स्पार्कुलर, ठीक है। अब हम डीएमएक्स और रिमोट दोनों से चलते हैं। डीएमएक्स और रिमोट, इसका रिमोट भी आ गया है? अरे वाह यार, चलो तो ट्रायल करवाओ फिर इसका। ओह ग्रेट, कम से कम 10 फुट इसकी हाइट है और जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त, कोई फ्लेम ही नहीं है। ये देखो हाथ भी लगा दिया इन्होंने, ये है क्वालिटी, इसको बोलते हैं स्पार्कलर मशीन। वाह, ये देखो अब मैं आपको दिखाऊंगा स्टेज इफेक्ट में यूज़ होने वाली मशीनें। ये है हमारी एक फोम मशीन जिसमें फोगी फोग निकलता है, और इसका नाम इन्होंने रखा है तूफान बिग, 29,000 की, क्या बात है। फिर एक और फोग मशीन है, ये है, इसका नाम है तूफान स्मॉल, और ये है मात्र 27,000 की। और फोग के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास ये देखने को मिल जाएगा। फोग मटके रखे हैं यहाँ पर, एक ये बड़े वाला फोग मटका हो गया, उससे छोटा हो गया, ये 4 नंबर फोग मटका है, ये 3 नंबर फोग मटका है, और ये 2 नंबर फोग मटका है, ठीक है। इसके लिए आपने देखा होगा पार्टीज़ में एक ये मशीन भी होती है फोग की, तो एक ये हो गई, उससे छोटी हो गई, इसमें 2 साइड से निकलता है, इसमें सिंगल साइड से निकलता है। और ये है सबका पिताजी, इसका नाम है स्टेडियम शॉट। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बॉलीवुड की मूवी में या स्टेडियम में जाके देखा होगा, स्टेडियम में क्या है ये रिबन शॉट्स निकलते हैं, तो वो इसी की मदद से निकलते हैं। यहाँ पर ये जितनी भी गन आती हैं, ये एलईडी गन है, पेपर एलईडी गन है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सारी सिलेंडर CO2 सिलेंडर ऑपरेटेड गन होती है, जिसमें पेपर भी निकलता है और फॉग भी निकलता है जो CO2 होता है। और जो इनकी माउंटिंग वाली मशीन है स्पेशल, ये नाइग्रा फॉल वाली जो आपको पहले भी दिखाई है, और ये क्या लगा रखा है, ये देखो CO2 शॉट, क्या बात है। ये सारी मशीन है इसकी STE की, तो इसमें सारे स्पेशल इफेक्ट आ रहे हैं, सारे के सारे DMX से ऑपरेटेड भी हैं, सारे के सारे हैं। और ये इनकी एक मिनट अट्टा, ये इनकी DI वाली मशीन है 3500 वाट की, 16,500 की, ये भी फॉग मशीन है। अब एक नई सीरीज़ में मैं आपको दिखाता हूँ इंडियन जंबो है इनका पास, एक 9000 की, एक बिग डैडी है इम्पोर्टेड 13,500 की, क्या बात है। ये इससे बड़ा शॉट देती है, और ये सबसे बेहतरीन वाली इम्पोर्टेड जंबो, और इसका देखो शॉट एकदम बेहतरीन था, मज़ा ही आ गया था। कलर भी बढ़िया बढ़िया दे देते हैं, गोल्डन है, सिल्वर है, उसके साथ इसकी केसिंग भी है ज़बरदस्त, यहाँ पर मज़ा ही कुछ और है। देखो चारों तरफ क्या है, कोई ये स्मोक बबल निकल रहे हैं, इधर से प्लेन बबल निकल रहे हैं, इधर DJ लाइटिंग हो गया, तो यहाँ पर आने का मज़ा ही कुछ और है। DJ एक्सपो में आना ही चाहिए, तो यहाँ पर मैं, अगर आप नहीं आए तो मैं ही आपको यहाँ का मज़ा दिलाता हूँ कि किस किस तरह का यहाँ पर अरेंजमेंट है, क्या क्या रखा है, ठीक है।